प्रिंटिंग के लिए सॉल्यूशन क्या होता था, यहां कोई प्रिंटिंग का सॉल्यूशन नहीं था। वो बाय डिफॉल्ट 15 साल से प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में थे, तो मैंने उनका सहारा लिया, उनसे मैंने बात किया, उनसे पर्सनली भी मिला। मिलने के बाद फिर उसके बाद मैं डिसकनेक्ट हो गया, क्योंकि उनके साथ हम बहुत काम किए और उनका अनेक ऐसे प्रोडक्ट्स और इंक डेवलपमेंट में हम लोग काम किए, उनको हम मिल के काम किए। तो एंड ऑफ द डे आज केमियो का प्लॉटर जो आप देख रहे हो, ये केमियो का प्लॉटर का जो इंडिया में लेके आने वाला पर्सन जो है वो है विनोद जी। अब आने के बाद हमारा एक विनोद जी का वर्क है और हमारा जो 99 सप्लीमेंट का वर्क है, एक ऑफिस है जिसमें 70-80 पीपल मिलके काम करते हैं। तो एक बिजनेस में जब भी है, नंबर ऑफ पीपल जहां काम करते हैं, ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, बैक एंड के लिए काम करते हैं, सामने फ्रंट एंड के लिए काम करते हैं, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है टीम की सैलरीज। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा ही एक सब्जेक्ट जो आज सारे भूल के बिजनेस कर रहे हैं। तो सारे पीपलों को मैं कह दूं, जो भी आप स्टार्टअप्स कर रहे हो, तो स्टार्टअप करने के बाद पहला इंपॉर्टेंट आपको देखना है जो मैं आज कहता हूँ। आज मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो पिछले 3 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था और कल शाम को भी आया था। आज हमने उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दिए, 1 दिन का कंप्लीट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पर्सन ने एक कैमियो का चाइनीज प्लॉटर खरीद चुका है, मतलब कैमियो क्या है, एक ही प्लॉटर, जैसा कि नाइक अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है, सिमिलरली कैमियो का जो प्लॉटर है जो टी शर्ट प्रिंटिंग का के लिए हम यूज करते हैं कटिंग के लिए, क्योंकि उसको हमने टेक्नोलॉजी हमने सिखाया इस देश में, हमने दिखाया कि क्या होता है, कैसा काम करते हैं, उसको सबको हमने दिखाया। तो इस प्लॉटर को यूज करने का तरीका हमने सिखाया, तो लेकिन अनेक ऐसे पीपल आज प्लॉटर्स के ऊपर काम करते हैं, प्लॉटर को बेचते हैं। तो कोई बुराई नहीं है कि आप बेचो मत, लेकिन आज जो मेरे पास आया था, कल मेरे को पास आए थे, और आगरा से यदि मेरा पिछले वीडियो से थी उनका अपलोड नहीं हुआ कि नहीं पता नहीं है, उस वीडियो में हमने इंटरव्यू को शायद ही रिकॉर्ड हम किए। तो बसन आगरा में कुछ 20,000 रुपये में एक डुप्लीकेट प्लॉटर ले चुका था, उसके ऊपर ना बिल थी, ना वारंटी थी, ना पर्सन ने कुछ सिखाया। तो दोस्तों, वो पर्सन एक ट्रेडर होगा, जो हमने बात किया उनसे, तो बोला कि नहीं सर, उन्होंने ट्रेडिंग करते हैं, जो मांगते हैं ये सारे चीजें उनके पास होता है और बेच देते हैं। तो डिमांड को जो कैटर करता है उसको टेक्नोलॉजी पता नहीं होता, उनको पता नहीं कि प्रोडक्ट में क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसके चलते एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट को डिलीवरी कर चुका था, जैसा नाइक का ओरिजिनल जूता मैं पहनता हूँ, तो नाइक का डुप्लीकेट मेरे दोस्त लोग भी पहनते हैं, मार्केट में अनेक ऐसे पीपल, क्योंकि मैं एक क्लॉथ को मैं शायद 500 रुपये 1,000 रुपये वाला पहन पाऊँ, तो लेकिन जूते जहाँ होता है तो मैं एक ब्रांडेड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे पैर बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये पैरों के ऊपर खड़े होकर मैं बात करता हूँ, तो ये पैर के ऊपर मजबूत होना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा इन्वेस्टमेंट जूते के ऊपर ज़्यादा होता है क्लॉथिंग से ज़्यादा, क्योंकि क्लॉथिंग जो है मेरे को हर दिन चेंज करता हूँ, हर दिन नया कपड़ा पहनता हूँ, तो मेरे को क्लॉथिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इस केस स्टडी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 2 ऐसे केस स्टडीज एक ही दिन मेरे नज़र में आई। एक है कि आगरा में एक डुप्लीकेट प्लॉटर बेच दिया गया और उनको ट्रेनिंग तक नहीं दिया, अराउंड 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने या 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। तो एंड ऑफ द डे जो हमारे वीडियोस देखे, तो हमने फोन किया, हमने बोला कि डेफिनेटली आओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और वो बोले कि ट्रेनिंग का फीस कितना, मैं बोला हूँ कि जय हिंद। एक यूथ को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आप देख पाओगे हमारे चैनल में जो अनेक पीपल आते हैं उसको मैं ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। यस, फुल ट्रेनिंग फ्री दिए, किसी को आधा ट्रेनिंग फ्री दिए, किसी को फुल ट्रेनिंग फ्री भी दिए पूरा, और किसी को ट्रेनिंग में चार्ज भी किए। तो आप समझ सकते हो कि हमें मिक्स एंड मैच काम करना होता है। जब हमने ये ट्रेनिंग फ्री देने की बात आता है, इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आपको बताता हूँ। ऐसा ही और एक स्टार्टअप है जो वेस्ट महाराष्ट्र से है, इंदौर के पास नजदीक में। ये जो यूट्यूब में अनेक हंगामा हो रहा है, 5,000 रुपया इन्वेस्ट करो और 5 लाख कमाओ, तो 5,000 इन्वेस्ट करके 5 लाख नहीं, 5 करोड़ भी कमा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं पहला पूछता हूँ कि वो पर्सन जो दिखा रहा है 5,000 लगा के 5 करोड़ कमाओ या 5 लाख कमाओ, तो आप लोग यकीन कैसा करोगे? तो आपको एक टेस्ट करना है, क्या ये रेगुलर वो बता रहा है, उसके पास वो रियली वो कैपेसिटी है, उसकी कपड़ा कैसा है, वो जीता कैसा है, उसकी घर कैसा है,
उसकी ऑफिस कैसा है, ये सारी चीजें जरूरत है एक स्टार्टअप में। तो पीपल, यदि क्रोमा पीछे का मैं बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं, ग्रीन स्क्रीन लगाना है और पीछे में मैं इंडिया का हर चीज दिखा सकता हूँ, वर्ल्ड का हर चीज दिखा सकता हूँ, जिसको बोलते हैं क्रोमा। तो हम लोग अभी तक वीडियोस को हम एडिट नहीं करते, आप देख लो अनेक ऐसे वीडियोस हैं, हमारा एडिटिंग होता नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि 99 सब्लिमेशन का स्टार्टअप क्लिनिक का इधर में टिकर लगा जाए, नीचे में मोहन चंद्रा मेंटर स्ट्रैटेजिस्ट और कोच होते जाए। तो लेकिन हम लोग ज्यादा एडिटिंग में काम नहीं करते। यस, मैं एप्पल के फोन के ऊपर कुछ एडिटिंग, वीवा का एक ऐप आता है, ऐप में मैं एडिटिंग कर लेता हूँ कोई यदि, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में जो है एक जेन्युइनिटी क्यों छुपाया, क्योंकि आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। एक आध पीपल बोलेंगे अरे सर के पास तो स्क्रिप्ट होता नहीं है। अरे स्क्रिप्ट हो जो उसके पास होगा मेरे भाई, जिसके पास नॉलेज की कमी होगी, एजुकेशन की कमी होगी। यस, बहुत मैं चैलेंज करता हूं आपको, व्हाट इज मार्केटिंग आंसर दे दो, वो सब आपके पास आंसर नहीं है, यकीन तो करना ही पड़ेगा। दम है तो सामने में आओ। YouTube में कमेंट, मैं लीडर हूं, मैं कमेंट सुनना नहीं चाहता, मैं बताता हूं सुना है सुनो, नहीं तो जॉब। लाइक डिसलाइक, दिस इज फकिंग थिंग्स विच रियली आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि ये जो वीडियो किसी के पास रीच हो रहा है वो वीडियो का रियली हकदार है, वो सुनना चाहता है कि एक डिसीजन रॉन्ग कैसा करता है बिजनेस को बर्बाद। जो मैंने एक बताया 6 महीना उसकी टाइम बर्बाद हो गई। आप सारे मेरे को जानते हो, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू नॉलेज। मैं नॉलेज को इन्वेस्ट करता हूँ और टाइम को मनी में कन्वर्ट आप करते हो, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना है तो ऐसा कमाता हूँ, ऐसा पैसा गिरता है, क्योंकि बचपन से मैंने जो सीखा पैसा कमाना। यस, एक टाइम लगता है बिजनेस में पैसा कमाना है, तो क्योंकि बिजनेस क्या होता है, ये ट्रेड क्या होता है, इकोनॉमी सिस्टम कैसा होता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल कैसा होता है, ये मनमोहन सिंह जानता था, एक बहुत बड़ा लीडर। मैं तो वही हमेशा मैं बोलता था, वो लीडर नहीं था, वो नॉलेजबल पर्सन था। लीडर वाइज मनमोहन सिंह एक अच्छा काम, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पुराना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके टाइम में इकोनॉमी का सिस्टम बहुत कंट्रोल में रहता था, क्योंकि FDI नहीं आती थी। ये सब चीजें मेरे को माइनस करो, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सेकंड जो है वेस्ट महाराष्ट्र से था, वो पर्सन ने 25,000 रुपए में एक स्टार्टअप खरीदा, एक 5-in-1 कॉम्बो मशीन को खरीदा और एक प्रिंटर खरीदा, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है फिर से पिछले 3 महीने में, क्योंकि कोई कंपनी है जो इंदौर की कंपनी है, वो इंदौर की कंपनी ने, इंदौर में 3-4 कंपनी का नाम बताया, बोला कि सर मैंने प्रिंटर यहाँ से खरीदा, मशीन यहाँ से खरीदा, और इंक मैंने यहाँ से खरीदा, पेपर यहाँ से खरीदा, टेप यहाँ से खरीदा, मैंने कॉफी मग यहाँ से खरीदा, टी शर्ट यहाँ से खरीदा, कम से कम 3-4 कंपनियों का नाम बताते जा रहा था। तो मैं बोला मेरे भाई नमस्कार, आप जो कहाँ खरीदे हो मेरे को मत बताना, क्योंकि मेरे को सारे पीपल तो फॉलो करते ही है, वो जो इंदौर के जो 3-4 कंपनी 5 कंपनी वो भी हमें फॉलो करते हैं, तो अनेक पीपल अनेक जगह से कर रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। एक कॉस्टिंग किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। कॉस्टिंग कैसे निकला, जैसे कि विनोद रावरिया का जो मैं बात किया जट कार्टेज का, उसका उनका और मेरा एक सेटअप है, वो मुंबई में अपनी सेटअप को चलाने के लिए वो लार्ज फॉर्मेट, हम भी डील करते हैं लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग के इंडस्ट्री में, 184 प्रोसेस के ऊपर हम काम करते हैं, वो भी अराउंड 100 प्रोसेस के ऊपर, तो मेरे हिसाब से वो भी काम करते हैं। तो हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोसेस कोई काम करता है वो 99 सब्लिमेशन, तो हमें हमेशा रेस्पेक्ट देता है। यस, उन हमें इंक सप्लाई करते रहते हैं, इंक का ब्रांडिंग करते हैं, तो हम लोग एक प्रीमियम इंक्स उनसे खरीदते हैं और सामने में लेके जाते हैं। तो यस, उनका और हमारा एक कॉस्टिंग का डिफरेंस हमेशा रहेगा। कारण क्या है, हमें 70 पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, ट्रेनर्स जो होते हैं उनको हमें सैलरीज, अच्छी अच्छी सैलरीज देना होता है, क्योंकि एक क्वालिफाइड टीम से हम लोग काम करते हैं। जब क्वालिफाइड टीम से काम करते हैं हमारा कॉस्टिंग हमेशा बढ़ा रहेगा। तो गरीब के सोच वाले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे पास मत आओ, क्योंकि प्राइस कंपेयर करते हो। यस, हम ही है वो वारंटी देते हैं, वही हम ही है वो ट्रेनिंग देते हैं, बाकी कोई ट्रेनिंग ना देता ना वारंटी देता है। वो ट्रेनिंग भी देगा तो उन्हें नहीं आता है तो और किसी को कहाँ देगा। तो उसी के लिए दोस्तों मैं अभी आपको मैं बता दूं, तो उसके चलते ही हमने डिसीजन लिया, भोपाल में एक सेंटर हम बना रहे हैं, एक कलकत्ता का सेंटर, एक बिहार का सेंटर, सिमिलरली दिल्ली, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और
चेन्नई जो है एक सेंटर हम बना रहे हैं, ये हमारा पर्सनल सेंटर्स लेके आ रहे हैं जो कंपनी का ओन्ड वे से काम करेगा। यस, इनवे इसका बिलिंग पार्टनर्स कुछ अलग रहेंगे लेकिन कंपनी ऑपरेट करेगी। तो अब क्योंकि कंपनी ऑपरेट करने का रीजंस भी मैं बता दूं, क्योंकि हम जब काम करते हैं हम नहीं चाहते किसी बंदा लूट लो, किसी को लूट के कुछ दे दो। यस, हमारा कॉस्टिंग शायद ही ज्यादा होगा तो उसको फकर नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सब फ्री में दे रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग जैसे सेल्स का ट्रेनिंग हम फ्री में दिए तो उसके चलते क्या हो कि द मूवमेंट सेल्स का ट्रेनिंग फ्री में मिला, ये बंदे को दिमाग ऐसा खुल गया और बोला कि नहीं सर मेरे को ये काम नहीं करना, दूसरा काम करना है, ये करना, कुछ नहीं बिना बता के चले जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि ये 7 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 डेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोजेक्ट बुकिंग जो कर रहा है प्रोजेक्ट को हमसे ले रहा है, क्योंकि यस मैं सारे पीपल को देता नहीं हूँ, आप सारे जानते हो अराउंड 8 लाख व्यूज आते हैं हमारे और 8,000 पीपल हमें मैसेज SMS फेसबुक अनेक जगह से व्यूज आते हैं। आप YouTube भी मत देखिए, मेरे वीडियोस हमेशा Facebook में होता है, तो Facebook का रोटेशन शेयरिंग अनेक ग्रुप्स में जाते हैं, तो अनेक ऐसे, क्योंकि मैं एंटायर सेल्स की मार्केटिंग के ट्रेनिंग्स में जो है हमारा टीम जो आप लेके चलती है, तो आपको डायरेक्टली सेल्स कैसा करना है, डिजिटली कैसा प्लेटफॉर्म से रीच करना है, यूट्यूब में कैसा काम करना है, क्योंकि जेन्यूनिटी जब काम करोगे मेरे दोस्तों तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल। लेट होगा जेन्यून के रास्ता, अब मैं बालाजी भगवान को मैं मानता हूँ तो बालाजी भगवान का कड़ा हमारे साथ मेरा साथ होता है क्योंकि मैं उनका एक भक्त हूँ। सिमिलरली मैं मोहन चंद्रा जो मेरा नाम है, तो श्री कृष्ण जी के पास मैं हर साल जाता हूँ, कोई एक साल मैं जा नहीं पाता कहीं कहीं चैलेंजेस के चलते, तो लेकिन मेरा हर साल कोशिश है कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके पास मैं चले जाऊँ। तो वहाँ मैं गुरुवायर टेम्पल जाता हूँ, तो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तो जब मैं चढ़ता हूँ पहाड़, देखो भगवान हमेशा पहाड़ में होता है क्योंकि आदमी के पीछे में रहेगा तो भगवान को भी गला काट के उसका चेन निकाल देंगे, तो आप समझ सकते हो कि भगवान हमेशा डर के रहता है। तो मैं हमेशा मैं एक वीडियो में मैं बताते रहता हूँ कि इस देश में भगवान भी डरता है। देखो आपको बंगाल में देखो मेरे दोस्तों, सप्तमी अष्टमी नवमी दसमी में दुर्गा माँ आता है, यहाँ तो नवरात्रि 9 दिन आता है, तो बंगाल में गरीबी देखो, लक्ष्मी जो लक्की पूजा बोलते हैं रात को आती है, रात को ही चली जाती है। तो आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों, जब रात को आके रात को चले जाते हो देश में, वहां हमेशा गरीबी तो भर भर के है। यस, वुमेन का सबसे इज्जत है ममता बनर्जी जी जो है वहां का CM को, उसको अनेक इज्जत देके मेरे बचपन से पाल रहे हैं। तो आज जो है फिर BJP का एक नारा लगा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि वोट जो दे रहे हो मेरे दोस्तों कुछ तो सोच के दो कहां देना है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं वोट देने गया नहीं अभी तक। देखो मैं जो सपोर्ट करता हूँ, मैं लीडर्स को सपोर्ट करता हूँ। यस, मैं जो लीडर से मैं काम करता हूँ उनके पास मैं जाता हूँ, उनको मैं बात करता हूँ, मेरी एक सोच है स्ट्रेटजी है मैं उन तक पहुंचा देता हूँ किसी ना किसी का थ्रू से। किसी लीडर को डायरेक्टली बात करता हूँ, जैसा गिरिराज सिंह जी से मैं अपना टोटल सोच जो है उनको, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस के इस देश के सरकार का चलाते हैं, उनके सामने में मैंने डायरेक्टली अपना अप्रोच रखा, प्रपोजल रखा, उनको पसंद भी आया। यस, उनके साथ हम लोग कुछ काम भी किए। तो सिमिलरली राजनाथ सिंह जी के साथ मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया और वो अप्रोच में मेरी सोच को, क्योंकि मेरे को हमेशा ये होता है 2034 तक इस देश से गरीबी हटना चाहिए, तो गरीबी हटने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से, तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से हमने सामने रखा। तो गरीबी कैसा मिटाना है, तो बोले जूट को पहले हम निवारण करना पड़ेगा। इस देश में क्या है, जूट होता है, जैसे कि ये पर्सन मेरे महाराष्ट्र में, वो फिर मेरे को बोलता है कि सर मैंने गलती कर दिया यहाँ से। मैं बोला गलती आप कहीं से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक रिकमेंडेशंस भी हमने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप देखो हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि अनेक पीपल बोलते हैं कि सर आप लोग तो आप लोग अपॉइंटमेंट देते नहीं हो, तो हम अपॉइंटमेंट दे नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, केरला का पर्सन को यहाँ दिल्ली आने में डर लगता है और उड़ीसा पीपल तो यकीन ही नहीं करता, बंगाल के कुछ पीपल है, मैं बंगाल में पैदा हुआ हूँ तो उन लोग नहीं यकीन करके यहाँ आते हैं, आने के बाद उनको लगता है कि अरे यार यहाँ, क्योंकि हम लोग वो कोच मॉड्यूल को जो बनाते हैं, कोच को हम लोग बिल्टअप करते हैं, हम ब्रेन में लिखते हैं, पेपर और पेन में नहीं लिखते, पेपर और पेन का सहारा लेते हैं। जैसा बॉल जब हिट करता है ब्रेन विकेट को लगता है या बैट के ऊपर जाता है, सिमिलरली हम पेपर और पेन का हम सहारा लेते हैं लिखने के लिए, और सोच जो है इनका ब्रेन में बिल्डअप करते हैं। तो यस,
अब हमने बोला कि ज्यादा हम YouTube के ऊपर अभी आ गए हैं, सोशल मीडिया में हम आए, सोशल मीडिया में हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। यस, मैं चाहता हूं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूं, तो उसका चलते क्या है, मैं अनेक, तो मैं हमेशा मैं कहता हूं, यदि आपको मुश्किल है, आपको कोई भी स्टेज पे देखो 200 प्लस 300 हजार प्लस बिजनेस का मॉडल्स मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं, मैं, मेरे पास वो क्षमता है, क्योंकि बिजनेस करना मेरा पैशन है। तो यदि मेरे पास पैशन नहीं है तो बिजनेस कराना मेरा पैशन है, क्योंकि बिजनेस यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी तो नौकरियां मिलेंगी। तो दोस्तों मैं कह दूं कि आपके पास पैसा नहीं है ना, डरो मत, सीधा बोलो सर अपने पास पैसा नहीं है, 25,000, 50,000, 1,00,000 से स्टार्टअप नहीं होता है प्रॉपर तरीका से, उसके लिए कुछ वॉल्यूम चाहिए, कुछ करने का तरीका चाहिए। एक मैं बोलता हूँ सेल्फ फंडिंग मॉडल, एक छोटा स्टार्टअप को लेके उसी में बढ़ाते जाए, लेकिन स्पीड होना चाहिए। आदमी के पास स्पीड नहीं है, स्पीड क्या है, परचेज में करते हैं, जहां सस्ता होगा। मेरे दोस्त सस्ता वो ही दे सकता है जो घर से बेच रहा है, जिसका रेंट ना हो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, उसको ट्रेनिंग का बारे में पता ना हो, वो प्रोडक्ट का बारे में पता नहीं है तो वो आपको दे देगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, पावर बिल, ये सब तो बच गया, अब प्रोडक्ट में जुड़ेगा नहीं। उन लोग चोरी करते हैं जीएसटी। मेरे दोस्त, मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखो मैं नए रहने के समय मेरे ऑफिस में भी बिना जीएसटी का बिल काट दिया गया, तो मेरा वो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सरकार के साथ घूमता था, सरकार के साथ मैं ज़्यादा भारत सरकार के साथ में को चलना चलता था। सिमिलरली मैं वेटर्स इंडिया आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए मैं काम करता हूं, तो उनके लिए मेरे को ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को बदलना है, तो देश को बदलना है तो किसको बदलना होगा। तो मैं सोचा कि 40 साल बाद वाले को बदले, तो मैंने देखा कि उनको बदलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका बीवी जब बदल नहीं पा रही, हम क्या बदल लेंगे। तो मैं फिर से मैं बोलूँगी नहीं नहीं मेरा यूथ ही सही है, यंग पीपल को बदलना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे लिए आप लोग वाइट पेज हो। जब मैं लिखूंगा, मैं बिहार एजुकेशन, यूपी एजुकेशन का जैसे नहीं लिखूंगा, एपीएलई एप्पल नहीं हो सकता, एसकेयूएल स्कूल नहीं हो सकता, मेरा यहाँ एससीएचओएल स्कूल ही हो सकता है, क्योंकि मेरा पास जो है, जो नहीं आता है तो मैं सीखता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं आज भी उसी लिए पढ़ता हूँ, मैं आज भी कॉलेज का स्टूडेंट ही हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज बढ़ाता हूँ। तो नॉलेज जहाँ बढ़ाते हैं तो उसको पढ़ना होता है ना। मेरे पास जैसा कि डॉक्टर अपने प्रोफेशन में कभी छोड़ता नहीं है पढ़ना, वो गधा का डॉक्टर नहीं है। जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर उन लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ें, तो आई एम वेरी सॉरी इन दैट। इन दिस कंट्री पीपल आर कंसिडर्ड अराउंड 2-3% पीपल, आई कैन से दैट दिस पीपल आर बीन क्वालिफाइड, रेस्ट ऑफ द पीपल आर सर्टिफाइड। द सर्टिफाइड पीपल जो करते हैं वो गलतियां करते हैं। बिजनेस करना बहुत ही आसान है, पैसा कमाना इस देश में आसान है, लेकिन झूठ बोल के मैं रिक्वेस्ट है पीपल को, मैं जो, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो वीडियो है वो पीपल जो समझते हैं कि मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर, मेरे दोस्तों आपको सबको नमस्कार, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि झूठ बोल के दया करके आप मत बेच दो। क्योंकि कस्टमर बिजनेस को यदि बात करना है तो मेरे पास आओ, मेरे को बोलो कि सर आपके बगल में बैठ के हम लोग को हेल्प करो। तो मैंने अनेक ऐसे पीपल को खड़ा किया, करोल बाग में मेरा पीपी ज्वेलर के सामने में मेरा, गूगल में ढूंढो, मैं भूल गया हूँ कि एक मेरा ही खुद का कंपनी है, गूगल में ढूंढोगे तो मोहन चंद्रमोहन करके आप डाल दो, नहीं तो 99 जेन बी इवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड डालो, उससे कनेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो हमने प्रिंट डिजिट करके मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ सेटल हुए। तो मैं कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, मैंने बोला कि ठीक है यार, एक पीपल जो सक्सेसफुल हो गए, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि हम, उनके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास है, तो मैंने इन्वेस्ट किया। ऐसा ही मुंबई में अनेक जगह, मुंबई अनेक ऐसे प्लेसेस में मैंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट मेरे को रिटर्न भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने शायद पिछले जमान में अनेक पीपलों का पैसा खा लिया होगा, तो भगवान इस बार में मैं जितना कमाया दुनिया का रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना आता है, मैं हमेशा कमा लेता हूँ। तो मनी इज मेकिंग इज नॉट, क्योंकि पैसा कमाना आपको भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, लेकिन पैसा इज्जत से भी कमाया जाता है मेरे भाई। इज्जत लूट के क्या पैसा कमाना। इस देश में पैसा पांच, वर्ल्ड में कहीं भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्ल्ड में 5 तरीका से पैसा कमाया जाता है। नंबर 1, आप
रिच फैमिली से पैदा हो जाओ, रिच लड़की को शादी कर लो, या क्राइम करो, या लॉटरी लग जाए, नहीं तो मेहनत करना है, जो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ना, मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्या, आपसे बात कर रहा हूं, आप ही के साथ 8 लाख पीपल से बात कर रहा हूं, शायद मेरा वीडियोस यहां से नहीं देख रहे हैं। बहुत पीपल मेरे को बोले कि सर आपका उड़ीसा से एक पर्सन है जिसको मैंने स्टार्टअप किया 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपया से, शायद हमने 20% हम कमाते ही हैं, तो क्योंकि हमने स्टार्टअप करवाया तो डेफिनेटली वी रिक्वायर 20% 30% हमारा उसमें। लेकिन हमें देख के आज वो पर्सन सक्सेसफुल है, महीना में 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमाता है। अब वो बोलता है कि 4 लाख लगा के आपने क्या सपोर्ट दिया। मेरे भाई मेरा ही तो नॉलेज है, मेरा ही तो नॉलेज है जो आप लेके आज 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना हर महीना कमा रहे हो। कौन सा बिजनेस है मेरे को बता दो मेरे दोस्त जो 4 लाख रुपए लगा के हर महीना 2 लाख कंटिन्यू कमा रहे हो पिछले 4 साल से या 3 साल से 2 साल से, कोई भी टाइम मेरे को याद नहीं है। मेरे को फोन करके 5 घंटा मेरे को परेशान कर दिया, तो मैंने कभी नहीं बोला। मैं बोला कि देख मेरे भाई, मेरे को मेरे ऊपर गुस्सा है तो मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी के ऊपर भी 67% पीपल ही उनको लाइक करते हैं, 33% लाइक नहीं करते। एटलीस्ट मेरे उसमें मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे को 98% पीपल मेरे को प्यार देते हैं। 2% तो प्यार नहीं देंगे, वो तो मैं जानता हूँ। वो मोस्ट ऑफ द पीपल कौन होंगे, मेरे दोस्त, मेरे दूर के रिलेटिव्स, बहुत दूर के दोस्त कुछ नहीं करेंगे, बहुत नज़दीक के दोस्त डेफिनेटली करेंगे, मेरे कुछ एक्स एम्प्लॉयज डेफिनेटली हेट करेंगे, मेरे जो पीपल जो आप लोग समझते हो कॉम्पिटिटर वो जाके हिट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो अनेक पीपल मेरे को आके पूछते हैं कि मैं चले जाऊंगा क्या इस देश से, मैं चले जाने के लिए नहीं आया हूं मेरे दोस्त, आपको एजुकेट करने के लिए। 2034 तक इस देश से मैं अमीर ही देखना चाहता हूं, आप अमीर बनते हुए देखना चाहता हूं। 2034 जो है 15 साल है यहां से, शायद मैं दुबई में रहूं। आपने जो क्वेश्चन मेरे को पूछे थे, बहुत पीपल आके पर्सनली मेरे को पूछे क्या सर आप दुबई जा रहे हो, तो मैं दुबई में शायद रहूं, वो मेरा चॉइस है। लेकिन दुबई से क्या मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, यूट्यूब नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग तो 12 घंटा तो कहां बैठे हो, फेसबुक में बैठे हो, यूट्यूब में बैठे हो। अब 12 घंटा फेसबुक में बैठे हो, यूट्यूब में बैठे हो, तो मेरे को रीच करने का क्या है। मेरी ऑफिस तो चलेगी, यस मैं सामने जाके एनजीओ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को जब इनकम मेरी सफिशियंट हो जाएगी, मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, डेफिनेटली मैं एनजीओ कर दूंगा। मैं तो मैं पहले ही बताया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस देश को बदलने में आप लोग लूटो मदद करो, रैदर देन क्या गरीबों का काम क्या कर रहे हो मेरे भाई। गरीब का मेंटालिटी से मेरे को डर लगता है, गरीब का मेंटालिटी से डर क्या है, हमेशा किसका पैर खींच दूं, किसका टांग खींचूं। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मेरी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो नौकरियां किया हूं, नौकरियां बोलने से इतनी नौकरी नहीं की, वेरी लिमिटेड नौकरी, सारे पीपल मेरे एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड थे, क्योंकि मैं रात भर काम किया एक एंटरप्रेन्योर। यदि मेरे मैगजीन्स टीवी चैनलों में मेरे को जो मेरे लिए बात किया गया, तो उसमें यदि देखोगे तो मैगजीन और टीवी चैनलों में मेरा बेस्ट एम्प्लॉयर के अवार्ड्स मेरे को थे, क्योंकि बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी है, बेस्ट एम्प्लॉय का भी अवार्ड जो मैंने नौकरी किया। तो क्यों मैंने किया, क्योंकि मैं अपना डेडिकेशन जो भी काम करता हूं, शायद मैं वो काम में मैं 15 साल नहीं बिता सकता, आई एम वेरी सॉरी। अंदर देखो प्रिंटिंग के इंडस्ट्री में मैंने मात्र 4 इयर्स में मैंने इंडिया का नंबर 1 हम लोग स्लॉट में गए, मात्र 4 इयर्स। उसके बाद मैंने 2000 ऐसे बिजनेस के सीखे, अब 200+ बिजनेस के साथ जो स्टार्टअप क्लिनिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अनेक ऐसे प्रोजेक्ट फ्रूट का प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं हम लोग, अनेक ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि मैं ही इन्वेस्ट करने वाला प्रोजेक्ट के ऊपर सक्सेसफुल क्यों है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट बोलने से पैसा मैं नहीं लगा रहा हूँ, नॉलेज आपको दे रहा हूँ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ, सारे पीपल सक्सेस क्यों। जूते का स्टार्टअप करवाने से जूते की चेन शुरू हो जाती है, मोबाइल का रिपेयर का यूनिट को स्टार्ट करवाने से उसका चेन शुरू हो जा रहा है, चाय का दुकान लगवा रहा हूं तो चाय शुरू हो जा रहा है, मल्टी चेन्स मनी पीपल। टी शर्ट का कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया तो इंडिया पूरा उसी को देख रहे हैं, तो किसी कोई भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ई कॉमर्स हो गया, एम कॉमर्स हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो,
जो इसमें भी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं इंटीरियर के प्रोजेक्ट, मेरा ही इंटीरियर कॉपी होता है। सोलर आईटी कंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे अनेक ऐसे बिजनेस में हम लोग पैर रख के और जब हम गाइड कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। क्यों हम ही से हो रहा है? क्योंकि हम प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। पैसा कमाना सबसे ईजी है मेरे दोस्तों, पैसा कमाना इस देश में ईजी है। कारण क्या है? नंबर वन, इस देश में पीपल एक बच्चे को रियल टाइम तक इंतजार नहीं करते, पहले ही बच्चे को बाहर निकालना चाहते। जैसा कि आप एक स्टार्टअप करते हो और स्टार्टअप का रूल्स आपको पता नहीं है, आप तो बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग मत करो। एक स्टार्टअप, एक यूथ जो है, यूथ को मेरा चेतावनी है, यदि आप करना चाहते हो मेरे पास आओ, पूछो सर मेरे को 25 लाख का लोन चाहिए, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा मत पूछो। आपको बोलो कि मेरे को जीवन चलाना है, क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्या करूं, मेरे पास मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे को क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूं। तो आप लोगों को मैं अनेक ऐसे भारत सरकार ने सुविधा दिया है, आप लोग ले सकते हो, लोन नहीं मेरे भाई, आप फंडिंग ले सकते हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 25 लाख रुपए तक मिलता है, उमेन हो 1 करोड़ तक आपको मिलता है, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में 5 करोड़, उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को यूज करोगे तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। मुद्रा फिर से एक गरीबों का लोन जो 10 लाख रुपए तक मिलता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसको कैसा यूटिलाइज किया जाता है। आप तो मुद्रा 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 घूमते हो, आपको होता नहीं। लेकिन सारे मेरे जितना भी स्टार्टअप्स होते हैं, उन लोगों को स्टार्टअप में बड़ा स्टार्टअप्स होता है। यस, हम बच्चे का स्टार्टअप रियली हम नहीं करते, क्योंकि वो फेल होने के लिए थोड़ी जो मैं लिखूंगा मेरे भाई, वो फेल होने के लिए, तो उसके लिए तो मैं ये यूट्यूब का चैनल में मैं बात करता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई सुनो, आपको काम करना है, काम करने का तरीका अलग होगा, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होगा हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं बताऊं, यदि एक प्रोसेस को बिल्टअप करना चाहते हो, उसको एक ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर करना होता है, एक LLP करना होता है, या प्राइवेट लिमिटेड करना होता है, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, जिसको कॉर्पोरेट सोसाइटी क्रिएट किया जाता है, कि NGO होता है उसको, ये पार्टनरशिप प्रोपरेटरशिप से मेरे को डर लगता है, उसे मैं दूर रहने बोलता हूँ। तो वो जरूरत नहीं है, यदि वैसा कुछ करना है ऑफलाइन का स्टार्टअप, 20 लाख तक आपको छूट है, कोई GST का जरूरत नहीं है, आप बिना GST का भी काम कर सकते हो, तो बिल काट सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा कंपनी फॉर्मेशन करने का, तो ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री होता है, और आपकी प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको प्रोजेक्ट को एक प्लान दिया जाता है, बिजनेस को एक प्लानिंग में लेके जाता है, उसके बाद फाइनेंशियल का प्लानिंग होता है, कब कब कितना कितना इन्वेस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग होता है, क्योंकि आप अकेले ही रह जाओगे, तो आपको एक टीम की जरूरत होता है, जब सामने बढ़ना है तो टीम को ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों देखो, मैं बहुत ही थक चुका हूँ आप लोगों से, वो 25,000 में स्टार्टअप करवा दो, ये सारे स्टार्टअप मैं ओपनली बताना स्टार्ट कर दिया, आपको मैंने ओपनली कर दिया, तो आपको बिना आए भी आप बुक कर सकते हो, यदि हमसे कर सकते हो, या किसी और के पास जाओगे तो वो रिकमेंडेशन हमारा यूट्यूब चैनल में मिलना स्टार्ट हो गया, जो पहला है 3D मोबाइल कवर के ऊपर हमने रिकमेंडेशन डाल दिया, तो उसमें देखोगे, उसमें हमने हमेशा, फिर यूट्यूब का चैनल पूरा सर्च करो, रिलेटेड वीडियोस को ढूंढो 99 सब्लिमेशन वाला, यदि आपको कुछ पता नहीं है तो तब हमारे पास रीच करो, हमें बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है, यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, हमारा तरफ से स्टार्ट करना चाहते हो 99 सब्लिमेशन और स्टार्टअप क्लिनिक के माध्यम से स्टार्ट करना चाहते हो, मोहन चंद्रा का गाइडेंस चाहिए, मोहन चंद्रा डेफिनेटली आप लोगों से मिलेगा, लेकिन एक ग्रुप में मिलेगा, ये मेरा वादा है। नहीं तो मैं एक वीडियो का, अभी मैंने रिसेंटली सारे टीम को मैंने बात किया, मैं बोलूंगी इनका प्रोजेक्ट बिक करेगा तो प्रोजेक्ट का हम वीडियो दे देंगे इनसे, क्योंकि डायरेक्ट मैं बात करता हूँ तो 4 घंटा 5 घंटा रिजल्ट कुछ नहीं होना है। वो बोलते हैं कि सर अपने को ना, अपने पास में 50,000 है, 50,000 से स्टार्टअप करवा दो, तो मैं जीरो से भी स्टार्टअप करवाने के लिए मैं आने कैसे वीडियोस में मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियोस को अभी जरा स्पीड हम लेके जा रहे हैं। कारण क्या है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे दोस्त, दया करके आप ना गरीबों का जैसे सोचो मत, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं स्टार्टअप के लिए लोन आपको दे दिलाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, आपको एक फंडिंग दिलाऊंगा, कोई टेंशन मत लो आपका स्टार्टअप में, तो फंडिंग वंडिंग ये सब चक्कर जो है मैं बताऊंगा, कुछ पैसा सामने में जरूरत है, क्योंकि कोई कोई कंडीशन में आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, तो मैं वो कंडीशंस क्या है मैं नहीं बताऊंगा, फिर से बोलोगे कि ये जगह में पैसा क्यों खर्चा करे सब, आई एम वेरी सॉरी ऑफ दैट। सो इसी के साथ जय हिंद बोलते हुए मोहन चंद्रा, तो सारे में जितने भी ये स्टार्टअप करवाने की बकवास करते हैं उनको मैं बोलूं कि आप ट्रेडर हो तो चुपचाप ट्रेडर के जैसे रहो, स्टार्टअप करके बकवास करके एक मैसेज
भेजोगे कि मनु स्टार्टअप करवा दे, स्टार्टअप का पहला रूल इडियट्स यू डोंट नो. सो स्टार्टअप का व्हेन यू डोंट नो द रूल ऑफ ए स्टार्टअप, डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ द पीपल. आपको चाहिए मेरे पास हो, बोलो कि मैं मिशनरी मेरा बेचना चाहता हूँ, आपको मेरे को बताओ, रिकमेंड करो, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा. लेकिन हम स्टार्टअप करवाते हैं करके मेरे को बोलोगे तो गुस्सा आएगा. स्टार्टअप करने के लिए आपके पास वो एजुकेशन चाहिए होता है, वो नॉलेज होना चाहिए. स्टार्टअप क्या, मिशनरी बेचने से स्टार्टअप होते हैं गधे का जैसे काम करते हैं. मेरे को गुस्सा उसी लिए आता है. मैं आप लोगों का आके, मैं देखो जिंदगी में किसी के पास आया नहीं, ये जो बिजनेस में सब्लिमेशन के प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कुछ पीपलों के पास मैं डेफिनेटली आके मिला हूं, क्योंकि मेरे को कोई कारण से कोई पर्सन ने लेके गया, मेरे को बोला कि सर इनसे मिलो, तो मैंने मिला. तो वो सारे पीपल को मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, जो पीपल मेरे से मिलते हैं तो इज्जत से पेश करते हैं. लेकिन नया नया आप यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बिजनेस नहीं चला, ठीक से नहीं चला, तो आप क्या कर रहे हो, फिर से मिशनरी बेच रहे हो. मेरे भाई आप ही को तो चला नहीं, आप ही ने सीख नहीं पाया, आप ही ने काम नहीं कर पाया, फिर आप भी मिशनरी बेच दोगे और एक गधे लोग को पैदा करोगे. गधे को मत पैदा करो मेरे भाई, घोड़े को पैदा करो. मेक ए पीपल हु आर हॉर्सेस. सो जय हिंद दोस्तों.